तो इसमें कविता में है क्या? पहले तो ये जान लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट रेन। सीधे अगर देखा जाए तो कभी एक बारिश के बारे में लिख रहे हैं। अगर हम देखें टाइटल को देखें, द वॉइस ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। तो बारिश की आवाज़ आपको कैसे सुनाई देती है? साए साए की, जब वो पत्तों पे गिरती है तब एक ध्वनि क्रिएट होती है, राइट? जब बौछार बादलों को अगर आपने देखा हो बारीकी से, गांव में अगर आप रहते हैं तो वहाँ खुला वो होता है, एरिया होता है, तो हम जब पीछे से बादल चले आ रहे हैं, और या बारिश बादल हैं, बारिश पीछे से आ रही है, बादल कोई ऐसे आ रहा होगा, तो एक आवाज़ क्रिएट दूर से ही सुन जाती है कि बारिश आ रही है। जब खेतों में फसलें होती हैं उनसे टकरा टकरा के, या पेड़ पौधों से टकरा के जो आवाज़ आती है, वो आमतौर पे यही आप अंदाज़ा लगाओगे कि वॉइस ऑफ रेन ये होगी। परंतु इसमें वॉइस ऑफ रेन एक वार्तालाप होता है कवि में और रेन में, तो सिर्फ दो लाइनों को छोड़ के अंत की, तो बाकी सारी रेन की तरफ से उत्तर है, रिप्लाई है। जो कवि ने प्रश्न किया उसका रिप्लाई बारिश दे देती है, और कवि चौंक जाता है कि ये कैसे हो गया कि बारिश मुझे जवाब दे रही है। दिस पोएम इज अबाउट रेन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द रेन। तो रेन और पोएट के बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत है। द पोएट अब्रप्टली आस्क्स हर ए क्वेश्चन। कवि अचानक, अब्रप्टली होता है ऑल ऑफ ए सडन, एक प्रश्न पूछता है रेन से, जैसे बारिश हो रही है, बैठे है कवि, बैठा हुआ देख रहा है, अचानक अनायास ही उसके मुंह से शायद ये प्रश्न निकला होगा कि क्या क्वेश्चन था, एंड हु आर्ट दाउ, आप कौन हो? बारिश से पूछते हैं, आप कौन हो? द रेस्ट ऑफ द पोएम, रेस्ट मीन्स बाकी, शेष, एक्सेप्ट द लास्ट लाइन, दो लाइनों को छोड़ के अंतिम, इज ए रिप्लाई टू द पोएट बाय द रेन। वो सारा उत्तर है रेन के द्वारा। यू मस्ट हैव ऑल्सो वंडर्ड एट दिस नेचुरल फिनोमिनन। आप सब ने भी कभी ना कभी बारिश को देख के हैरानी व्यक्त की होगी। जब आपने पहली बार बारिश को देखा होगा बचपन में, जब होश संभालता है बच्चा, जब बारिश को देखता है, तो उसका दिल किस तरह से उछाल खाता होगा। बचपन की वो लम्हा याद तो नहीं कर सकते कि कौन सा लम्हा था जिस दिन उसने पहली बारिश को देखा था। जैसे एक चाइल्डहुड कविता में आपको, आपके ही सिलेबस में है, उसमें कवि पूछता है कि कब उसका बचपन गया, वो कौन सा दिन था जब बचपन गया, कौन सा लम्हा था जब उसका बचपन डिसअपियर हुआ उसके माइंड से, उससे बचपन उसका छिन गया, कब और कहाँ, किस जगह पे। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बात आपके मन में कभी ना कभी आई होगी कि जो वो दिन कौन सा था, वो पल कौन सा था, वो लम्हा कौन सा था जब आपने बारिश को पहली बार एंजॉय किया था, और आपने पूरा, आपको लगा था कि आज पूरे होश हवास में, जैसे होता है आप पूरी वो आपकी डेवलप हो गई थी माइंड, आप एंजॉय कर रहे थे, दिस इज रेन। तो पढ़ते हैं इसमें, सभी को अब भी अच्छा लगता है, जितने नेचुरल फिनामिनन होते हैं, नेचुरल फिनामिना होता है जितना भी जो प्रकृति में घटित होता है, आप सबको अच्छा लगना चाहिए, आप और ईश्वर की सारी देन है। तो पहला स्टेंजा पढ़ते हैं, लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेंजा। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, दिस स्ट्रेंज टू टेल, Give me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. प्रश्न किया कवि ने, एंड हु आर्ट दाउ, हु कौन, आप कौन हो? दाउ मीन्स यू। सेट आई पोएट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो शावर पोर इन हो रही थी, गिर रही थी ऊपर से, बौछार गिर रही थी, तो कवि पूछता है, हु आर्ट दाउ, आप कौन हो?
कभी कहता फिर आगे कि ये अजीब लगेगा आपको, दिस इज स्ट्रेंज टू टेल, बताने में बड़ा अजीब है, गिव मी एन आंसर। और बारिश ने मुझे एक जवाब दिया और उसकी ट्रांसलेशन ये है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा कि मैं धरती की पोएम हूं। अ पोएम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे थोड़ा डीप मीनिंग है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम सुकून देने वाली होती है, उसमें म्यूजिक होता है, उसमें रिदम होती है, प्रोज नहीं है। आई एम द प्रोज ऑफ द अर्थ नहीं कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। जैसे सॉन्ग होता है, सॉन्ग में म्यूजिक दिल को सुकून देता है, पीस देता है, तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा। तो आगे देखते हैं वर्ड मीनिंग, और आई स्टैंड्स फॉर द पोएट, आर्ट दाउ का मतलब होता है आर यू, ओल्ड इंग्लिश, शेक्सपियर ने खूब यूज किया दाउ का, दाइन का, दाई, सॉफ्ट फॉलिंग शावर इज लाइक शावर, सॉफ्ट हल्की हल्की मंद मंद, पता भी ना लगे कि एकदम आपकी चीक्स गीली हो गई, इस तरह की बारिश होती है, फुहार सी होती है, हल्की हल्की ब्रीज जो चल रही होती है, फुहार, उसमें वो ठंडक होती है और उसी के साथ वो बूंदे। द पोएम बिगिंस इन ए कन्वर्सेशन, दिस इज लाइन टू लाइन पैराफ्रेज एक्सप्लेनेशन, द पोएम बिगिंस इन ए कन्वर्सेशनल वे एंड द पोएट आस्क्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ रेन एज टू हु इट वाज, डायरेक्ट क्वेश्चन में है एकदम, कभी सीधा क्वेश्चन पूछता है, हु आर थाउ, आप कौन हो। तो कन्वर्सेशनल वे में शुरू होती है, अब्रप्टली शुरू होती है, जैसे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन हुए, बहुत सी पोएम है उनकी एकदम अब्रप्टली शुरू होती, जैसे द सनराइजिंग है या और पोएम है, एकदम शुरू होती है, कन्वर्सेशनल टोन बोलते हैं इसे, जब आप वार्तालाप करते हैं इस तरह से ओपन होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से करता है कभी कि हु इट वाज एंड हु आर्ट थाउ। इट सीम्स टू बी अ कैजुअल क्वेश्चन फॉर विच द पोएट हैड नॉट एक्सपेक्टेड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द रेन, ये कैजुअल प्रश्न लगता है देखने में, तो कैजुअल एक सामान्य रैंडम क्वेश्चन जैसे होता है, फॉर विच द पोएट हैड नॉट एक्सपेक्टेड एनी रिस्पॉन्स, कभी बैठा हुआ था तो अचानक बोल दिया आप कौन हो, उस कवि को ये पता नहीं था कि उसका उत्तर आएगा, ये कैजुअल रैंडम ये सोचते हुए कि वैसे ही मुंह से निकल गया और कोई उम्मीद नहीं है आंसर मिलेगा। तो ऐसे जैसे आप एक किसी भी चीज़ को, पेड़ को कह दो आप कौन हो, वैसे आपको कौन सा उत्तर मिलना है, आप यही सोच के करोगे उत्तर तो मिल रहा है, वैसे पूछ लेते हैं। बात कई लोग पेड़ों से बात करते, कई लोग मतलब मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति से बात करते हैं, अपने मनोभाव जो होते हैं, मन की बातें वो सामने करते हैं, कन्वर्सेशन अपने जो वो गुबार है वो निकालते हैं, तभी हुई बातें जो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। कहीं ऐसे में मैंने लोग देखे हैं अकेले में बैठ के भगवान की कोई मूर्ति है उसके सामने बोल रहे होते हैं, ईश्वर से वार्तालाप हो रहा होता है, उन्हें कोई रिप्लाई डायरेक्ट वैसा नहीं मिल रहा, पर मन में हो सकता है कोई उनको लगता हो रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह से रैंडम क्वेश्चन था वो, आई एम द पोएम ऑफ द ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, और बारिश ने की आवाज़ ने ये कहा कि मैं